हे गाइस, हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल 4in1 में वेलकम है। और आज है सैटरडे, 21 डेट है। और मैंने आज मतलब 3-4 दिन से कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मेरे भाभी भैया आए हुए हैं। परसों ही हम लोग थोड़ा घूमने के लिए गए थे, और आज भी हम थोड़ा सा उन लोगों को लेके जा रहे हैं बाहर। सारा ही फैमिली जा रहा है, हम एक्चुअली गेट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको भी लेके चलूँगी, आई होप आपको पसंद आएगा। तो आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम सब लोग रेडी हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने अपना ये वाला टॉप पहना हुआ है, और बच्चे और सब बाहर रेडी होके बैठे हैं। वो लोग मेरा ही वेट कर रहे हैं बस। तो अभी हम निकलेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगी, अपने भाभी भैया से मिलवाऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं। मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, मुझसे छोटे ही हैं दोनों। और इनकी एक लड़की है, प्यारी सी लड़की है, जिसका नाम है अनन्या। और वो बहुत खेलती है, बहुत मस्ती करती है। और पता है मतलब मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ कि बेटा ये लेके आ, वो लेके, पूरा कहना सुनती है। बहुत प्यारी लड़की है। और अभी हमने यहाँ से बिल्डिंग के नीचे से ऑटो रिक्शा लिया, हम लोग अंधेरी टीसन जा रहे हैं। और लक्ष्य को मैंने इसलिए हटाया कि वो अपने पापा के साथ बाइक से आएगा। और ये हम अंधेरी टेशन पहुंच चुके हैं। लक्ष्य, हम लोग परसों भी घूमने के लिए गए थे, उस दिन प्रतीक अपने पापा के साथ गया था बाइक पे, हम लोग ऑटो से ही गए थे। और आज लक्ष्य अपने पापा के साथ आया, तो उन्हें अपना अच्छा लगता अपने पापा के साथ बाइक से आना। यहाँ पे पहुंच चुके हैं अंधेरी टेशन, टिकट लेंगे और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गेट ऑफ इंडिया। थोड़ा बहुत इनको वहाँ पर घुमा देंगे आज। और एक तो थोड़ा मतलब गर्मी भी, और मतलब छोटे बच्चे हैं तो उनको ध्यान में रख के ही हम मतलब थोड़ा बहुत घुमा रहे हैं, क्योंकि लंबा जाएंगी तो लड़की बहुत छोटी है, तबीयत ख़राब हो जाए कभी, इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूमे थे, 2-3 जगह ही गए थे फिर। और फिर शाम को 4 बजे तक हम वापस भी आ गए थे। और देखिए कितना गर्दी है। चुलिया सैटरडे था, वैसे भी सबका छुट्टियां चल रहा है, तो बहुत गर्दी है, हर जगह सब घूमने निकलते हैं। और वैसे यहाँ इतना गर्म नहीं है, क्योंकि अभी बारिश चालू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, तो बहुत ही अच्छा हवा चल रहा था। और मेरे बच्चों ने भी बहुत ही इंजॉय किया। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर चर्च गेट, और बच्चों को तो ऐसा अच्छा लगता है कोई भी गेस्ट आता है, मतलब उनके साथ कहीं भी घूमना जाना मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। उन दोनों ने काफ़ी इन्जॉय किया। वैसे भी नेक्स्ट मंथ उनके स्कूल ओपन होने वाले हैं, थोड़ा ही उनका छुट्टी बचा हुआ है। और ये आ गया चर्च के टीशन। जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, तो हम टैक्सी से जा रहे हैं सारे जने। और देखिए कितना अच्छा व्यू है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों ने भी यहाँ पे आए होंगे, जानते होंगे, जो बॉम्बे में रहते हैं उन लोगों ने भी घूमा होगा गेट ऑफ इंडिया। और मैं यहाँ पे कितनी बार आ चुकी हूँ ना, मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट मैं यहाँ पे बहुत टाइम आ चुकी हूँ। सबके साथ कोई ना कोई तभी भी गाँव से आता है, मेरे पापा आए हुए हैं, भाई मतलब बहन है, मतलब सब कुछ, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे गेट ऑफ इंडिया। ये है ताज होटल, लुक एट दिस, कितना सुंदर है ना। और ये है गेट ऑफ इंडिया। और आज सैटरडे, आज यहाँ पे बहुत ही रश हो रहा है। हमने क्या बोला, हम यहाँ पे आए हुए हैं, कभी मतलब मौसम ऐसा हो रहा है, ठंडा हवा भी चल रहा है, बट कभी धूप निकल रहा है, कभी छाया हो रहा है, अच्छा मौसम है। हम बच्चों को लेके आए हैं साथ में, उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए कितना गर्दी हो रहा है इधर, और सैटरडे संडे काफ़ी गर्दी रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है इधर। और ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि गेट ऑफ इंडिया कब बना था, किसने बनवाया था, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है।
आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था और मराठी में भी लिखा हुआ है। ये है गेट ऑफ इंडिया, बहुत ही सुंदर है। तब पास आके देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूरा मराठी में लिखा हुआ है, पूरा डिटेल है इसका। अभी हम गेट ऑफ इंडिया से टैक्सी लेके जा रहे हैं मरीन लाइन, जो कि पास में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मरीन लाइन जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा इनको दिखा देंगे, थोड़े से टाइम बैठेंगे, उसके बाद हमें जाना है घर वापस। लुक एट दिस, हम यहाँ पे आ चुके हैं मरीन लाइन। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा व्यू है। लुक एट दिस, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप भी आइएगा और पूरा बॉम्बे घूम के जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों में से आई होप आप लोगों ने देखा होगा, जो यहाँ पे रहते हैं वो तो सभी जानते होंगे बॉम्बे की ब्यूटी। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मरीन लाइन और हम यहाँ थोड़े ही टाइम रुके थे। राम तो यहाँ से ऑफिस चले गए थे और हम सब फिर घर वापस चले गए थे। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, और बादल हो रहे थे, हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। और इसके बाद हम लोग चले गए थे घर वापस। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने चेंज किया और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ हम सब के लिए। फ्रेश वगैरह हम हो चुके थे, क्योंकि बाहर से आने के बाद थोड़ा चाय तो बनता है, क्योंकि थोड़ा हल्का सा सर दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी बन रही है चाय। आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा। शाम के 5 बजे हुए हैं, हम घर पे आ चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। यह मेरी चाय बन रही है, ऑलमोस्ट बन गई है, सिर्फ मुझे डालना है कफों में। और बच्चे दोनों बाहर बैठे हुए हैं और यार बहुत गर्म हो रहा, बहुत धूप हो रहा, तो पहले तो मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत काम करना, सारा बर्तन वगैरह, मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं। शाम को पानी आएगा तब मैं कपड़े वॉश करूँगी। आपको वीडियो कहीं भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।